आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले अमर शहीद के विभिन्न स्थानों में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा एवं जन प्रतिनिधियों सहित छात्र छात्राएं, स्थानीय लोग, योगाचार्य और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग भारतीय प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहा है। ऋषि मुनियों के शोध पर आधारित समग्र स्वास्थ्य का विज्ञान है। योग भारत के इस ज्ञान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विश्व स्तरीय मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा योग को स्वीकार किया गया है। योग संपूर्ण मानवता को प्राप्त अमूल उपहार है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वासुदेव कुटुम्बकम पर आधारित रही। इसका अभिप्राय है कि भारत की संस्कृति सारे विश्व को अपना परिवार मानती है तथा सभी के सुखी रहने, सभी के निरोगी रहने और सभी के दुख रहित जीवन की कल्पना करती है। संसार का सबसे बड़ा उपहार निरोगी काया है। निरोग रहने के लिए योग सबसे सस्ता, सहज, सरल माध्यम है। योग से बहुत सी बीमारियों का उपचार एवं निजात मिल जाता है। सभी लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, सीओ जिला पंचायत इला तिवारी, अपर कलेक्टर केसी बोपची एवं प्रशासनिक अधिकारियों, खिलाड़ियों, योग से जुड़ी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, पत्रकारों, प्रशिक्षकों, विद्यार्थियों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन जिला प्रशासन के तत्वावधान में स्कूल शिक्षा विभाग, आयुष विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुक्त मंत्री सर्वानंद के आतिथ्य में जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एवं उद्बोधन तथा योगाभ्यास का लाइव प्रसारण सुना एवं देखा गया। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी जी आए थे और बड़ी ही जगह से छात्र छात्राएं और पब्लिक आई थी और खूब सम्पन्न योगा कराया। इस कार्यक्रम को यहां पर सम्पन्न किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति में यहां पर सभी लोगों ने योगाभ्यास किया। करीब 15-16 आसन कराए गए योगाभ्यास के। अच्छे ट्रेनर्स रहे हैं, उन लोगों ने पूरी अपनी देखरेख में बढ़िया हम लोगों को सभी को योगाभ्यास का महत्व बताया। इसके पहले कार्यक्रम जो है जबलपुर से प्रसारित किया गया, वहाँ के एक ग्राउंड में जहाँ योगाभ्यास चल रहा था वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के उद्बोधन से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भी उद्बोधन हुआ। दुनिया के करीब 106 देश इसको मना रहे हैं और उमरिया स्टेडियम में आज सुबह से भारी संख्या में प्रशासनिक, राजनीतिक, बच्चे, कई भावों के लोग उपस्थित थे और बड़े अच्छे से योग दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के साथ साथ उमरिया जिले में भी आयोजन किया गया। सभी विद्यालयों में ये आयोजन हुआ। उसके साथ साथ एक जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर स्टेडियम में भी हुआ है और इस आयोजन में जबलपुर में जो मुख्य कार्यक्रम हुआ है वो लाइव यहाँ पे से जुड़े हैं और उसी समय टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर भी योग का आयोजन हुआ है। इसमें शहर के सभी प्रमुख के मान्य व्यक्ति और धार्मिक संस्थाएँ हैं उनकी भी सहभागिता रही है। शिक्षा विभाग और आयुष विभाग दोनों विभागों के संयुक्त प्रयास से आज ये आयोजन हुआ है। ये प्रमुख जो संदेश है वो यही है कि आज तो हम पूरे विश्व के साथ साथ यहाँ पर भी योग से जुड़ रहे हैं लेकिन ये हमारे डेली के रूटीन में ये शामिल हो, यही संकल्प हम आज के दिन लें तो ये सबके लिए बहुत ही बेहतर होगा।